माय डॉक्टर यासी, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक नोटिस लेके आया हूँ, सूचना लेके आया हूँ। आज ही हमारे एजुकेशन मिनिस्टर उदय सामंत जी ने आप फेसबुक पे लाइव करते हुए कुछ तीन चार पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं, वो पॉइंट्स मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा, जो कि फाइनल ईयर्स जो भी फाइनल ईयर्स में हैं उनके एग्जाम्स के चलते बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है। सबसे पहला पॉइंट मैं आपसे अपने डिस्कस करूँगा, उन्होंने बताया कि जब उन्होंने सब लोगों को जो है फेसबुक से सोशल मीडिया के जरिए सब क्वेश्चंस उन्होंने इकट्ठा किए, वो क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन उनको उनका आंसर उनको उन्होंने दिया है कि हर क्वेश्चन का एक ही निचोड़ता, कि बच्चे उनको पूछ रहे थे कि हमने एग्जाम्स के लिए तैयारी करना है या नहीं करना है। तो हाँ, उन्होंने आंसर ये दिया है कि आपको बिल्कुल आपको एग्जाम के लिए तैयारी करना है, नॉलेज जो है कभी भी कम नहीं होने वाला है, नॉलेज आपको बढ़ना है और आगे नॉलेज बढ़ते जाएगा और आपको आगे के नॉलेज के लिए आपको पढ़ना ज़रूरी है। दूसरी बात, पढ़ना कम नहीं होगा, पढ़ना आपको पढ़ते जाना है, चाहे एग्जाम हो या ना हो आपको पढ़ना है, पढ़ने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये डिस्कस किया कि हमारे स्टेट के जो मिनिस्टर हैं मिस्टर उद्धव ठाकरे, उन्होंने जो है ये बताया है, उनसे डिस्कस करते हुए उन्होंने भी ये कहा था कि हमने कोई कमेटी फॉर्म किया है फाइनल ईयर्स एग्जाम्स के लिए, फाइनल ईयर्स जो भी फाइनल ईयर्स में उनके एग्जाम के लिए कमेटी फॉर्म किया है, वो कमेटी आपको जल्द ही वो आपको डिसीजन देंगी। दूसरा ये है कि तीन नंबर का पॉइंट ये है कि जहाँ तक कि उनका सवाल है एग्जाम्स का, ये वो सब सवाल है, वो सवाल आपके लिए मैं निचोड़ पे आता हूँ। उन्होंने जो है कमिटीज़ जो है आदित्य ठाकरे जो हमारे कैबिनेट में मिनिस्टर है, उन्होंने यूजीसी को एक लेटर लिखा था, उसका कोई अभी तक जवाब नहीं आया। फिर और एक जो है युवा सेना की तरफ से वो लोग जाने वाला है और एक लेटर गया है उसका, वो और आशा करते हैं वो जल्दी आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो भी अभी जो क्लासेस चल रहे थे, उन्होंने जो तीसरा और चौथा पॉइंट उन्होंने मैंने कवर कर दिया है। चौथा पॉइंट यह है कि उन्होंने हमारे जो राज्यपाल है वो राज्यपाल से डिस्कस करते हुए वो बोला कि वो बॉम्बे में है और सामंत जी जो है रत्नागिरी में, तो जल्द ही उनकी दोनों की मुलाकात होंगी, बैठक होंगी, बातचीत होंगी और वो निर्णय पे पहुंचेंगे कि एग्ज़ाम्स को लेके, क्योंकि एग्ज़ाम का ये जो है और वो हर हम बच्चों के पीछे एक एक पिलर बन के खड़े हैं उदय सामंत जी, हर एक बच्चों का उनको फिक्र है और ऐसा मिनिस्टर हमको देखते हुए बहुत ही अच्छा हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और इस पैनडेमिक के चलते हुए मैं आपसे ये जो भी नोटिसेस है मैं अपलोड करता रहूँगा एग्ज़ाम्स के रिलेटेड, क्योंकि बच्चों को जो है कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और पढ़ते रहिए। और आप इस लॉकडाउन के अंदर जो है, क्योंकि देखिए बच्चे बाहर नहीं जाने वाले तो घर में ही पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई करने के बाद उनके अंदर एक इम्प्रूवमेंट आएगा और वो अच्छा होगा। तो इसी के साथ मैं मेरा वीडियो ख़त्म करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आगे अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।